स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटे को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम सीखेंगे ये खूबसूरत गला किस तरीके से बनाया जाता है, तो पूरा वीडियो देखिए और देखकर सीखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास ये टिश्यू है और ये गुलाबी कलर की, और एक लेस है, 2 इंची चौड़ाई है इसकी और मार्जिन एक्स्ट्रा। ये सूट का पीस कटा हुआ है, इसे हम डबल फोल्ड कर लेते हैं और एक वी कलर का, वी साइज़ का एक निकालने वाले हम गला। ये देखिए इस तरीके से 5-6 इंच हमने नाप लिया है, इधर से 3 इंच और इस तरीके से हम वी कर देंगे। इस तरीके से हम निकालेंगे, ये देखिए ये डिज़ाइन बनने वाली है, तो हम इसे बीच से हम निकाल देंगे। ये हमने कोने पे चेका लगा दिया ताकि हम इसे फोल्ड कर सकें। ये पीछे हाथ देना बहुत ज़रूरी है ताकि ये टनाए नहीं। ये देखिए आप पीछे हाथ जरूर दें इस तरीके से, ये भी एक कला है, एक ट्रिक है। आप तिरछी पत्ती को जब सिंगल सीजिएगा तो वो टनी सी हो जाती है, इसलिए आप पीछे बूट के पीछे हाथ आप जरूर दें। ये देखिए गला सिल दिया, कच्चा सा डिज़ाइन। अब हम एक मैट बनाएंगे जो पिंक और चमकीली गोल्डन कपड़े में होगी। ये 2.5 इंच की चौड़ाई पर हम इसे काट रहे हैं, इसे सीधी कपड़ा ना समझे, ये ओरेब है यानी तिरछा। इसे हम बार बार नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास ये अवेलेबल है, आप इसे तिरछा कर लें। ये भी तिरछी कटी हुई आप देख सकते हैं, तिरछी बनी हुई है, यानी कि ओरेब है ये। अब हम एक मैट बनाएंगे, ये देखिए किस तरीके से हम इसे माप लेते हैं। ये हमने एक नॉर्मल सा माप ले लिया, हमने इसे यहाँ इस तरीके से काट दिया। अब हम वी बनाएंगे इसका, एक नॉर्मल सा वी, ये देखिए इस तरीके से डबल करके और यहाँ मोड़ देंगे। ये देखिए ये वी हो गया, ये इस तरीके से वी हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसमें एक सिलाई चला देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें गोल्डन कलर की पट्टी एक लगाएंगे, ये देखिए किस तरीके से बनती जा रही है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें नए वीडियो पाने के लिए, और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए ये इस तरीके से बनेगी। हम 3 लेयर बनाने वाले हैं, 3 पिंक की और 3 गोल्डन की। ये दूसरी हमारी पिंक की हो गई और ये दूसरी गोल्डन की, इस तरीके से हम 3 लेयर बनाएंगे। ये देख सकते हैं पूरी वी बनती जा रही है, कि जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे ये खूबसूरत होती जाएगी बहुत ही। इसे आप बहुत आराम से बनाएं। ये हमारी 3री लेयर जा रही है पिंक की। ये बीच का मार्क आप ध्यान से रखिएगा, ये बीच टू बीच बैठेगी तो और अच्छी लगेगी। ये देखिए एक के ऊपर एक इस तरीके से बनेगी है। ये देखिए ये 3 पिंक और 2 गोल्डन की बन चुकी है, यानी 5। अब इसे हम वी करेंगे, तो किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। ये हमने डबल किया और ये इस तरीके से सिल दिए, ये देखिए ये वी हो गया, ये हो गया।
अब हम नीचे की साइड एक पिंक का कपड़ा लगाने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लगा देंगे ताकि वहाँ भी एक पिंक की पट्टी की तरह, यहाँ हम छोटी सी फोल्ड करते हैं ताकि वहाँ पे बैठने के टाइम वो वी हो जाए, ताकि वो खींचाए नहीं। ये देखिए इस तरीके से आप ये देखिए यहाँ पे ये वी हो गया, बहुत ही खूबसूरत। और हम इसे यहाँ पे इस तरीके से बीच से हम अटैच करना शुरू करेंगे, ये देखिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो वो बीच पे आया कि नहीं। ठीक है, अब इस साइड से हम इसे कर लेते हैं। ये देखिए ये बन चुका है बहुत ही उम्दा। अब हम इस पे इसको बैठा लेते हैं। ये देखिए वी हम इस तरीके से बैठा देंगे। देखिए ये हमने बैठा लिया है वी को, अब दूसरी साइड हम फिट कर देंगे, इसको भी बैठा देंगे। ये देखिए ये हमने वी बना लिया है। और अब मुंडे की बारी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, चलिए ये वी बन चुका है। अब ये सीधी है और ये राउंड है, राउंड किस तरीके से करना है चलिए सीखते हैं। ये देखिए पहले नाप लीजिए और यहाँ पे मार्क कर दिया हमने राउंड की जगह पे। देखिए इस तरीके से हम इसे सिल लेंगे और फिर हम इस तरीके से, यानी कि चार हम थोड़े थोड़े दूर पे हम इसे हम एक एक इंच की दूरी पर सिल देंगे। ये इस तरीके से ये ऑटोमेटिक ये राउंड हो गए, देख लीजिए ये राउंड इस तरीके से हो गई। किसी भी गोलाई को आपको राउंड करना है तो ये फॉर्मूला ज़रूर आजमाए। ये दूसरी साइड की भी हम इसी तरीके से नाप कर हम ये चौक का निशान लगा देंगे और यहाँ से हम ठीक उसके अपोजिट शुरू हो जाएंगे। एक एक इंच की दूरी पर हम चार सिलाई इस तरीके से वी हम लगा देंगे ताकि वो राउंड हो जाए, एक तरफ ज़्यादा ले दूसरी तरफ मिला दें। ये देखिए ये दूसरी साइड की बाजू अपोजिट बनने जा रही है, ये भी राउंड हो गई। ये देख लीजिए दोनों अपोजिट ये काट दिया हमने। अब हम आराम से इसे दोनों साइड बैठा सकते हैं। देखिए चलिए इसके किनारे में भी हम बैठाने वाले हैं दो पट्टियाँ, तो ये पट्टियाँ बना लेते हैं। ये देखिए इसको हम एक सिलाई लगा देंगे, पिंक कलर की पट्टी पे एक हम सिलाई लगा देंगे। अब इस पे हम गोल्डन कलर की पट्टी लगा देंगे थोड़ी सी गैप छोड़कर। ठीक है चलिए इसे हम बना लेते हैं। ये देखिए ये बन जाएगी। ये देखिए बन चुकी है। अब हम इस पे मुंडा का जो पट्टा है उसको हम अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत बनने जा रहा है। ये दूसरे साइड की मुंडा।
ये देखिए ये पूरी तरीके से तैयार होने जा रहा है। अब हम इस पे अटैच कर देंगे इस तरीके से, हम इसे सिल देंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हम इसे सिल देंगे। ये आराम से बनाए, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। सीधी लेस को आप टेढ़ी करके इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा ये डिज़ाइन। जल्दी से आप बनाइए, और हमें ये वीडियो कैसा लगा आपको ये हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिए। ये देखिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके आंखों के सामने तैयार। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। इस पर आप जाकर प्रेस से आप इसे बैठा दें तो ये और भी खूबसूरत लगेगी। ये जो फुला हुआ है ये और भी बैठ जाएगी। ये देखिए प्रेस के बाद कैसी लगती है ड्रेस। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा प्रेस लगने के बाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।